अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाले सबसे बड़े स्कैम ऑर्डर गो में। अरे भैया मुझे सांस चढ़ा नहीं है, वैसे रोकने के लिए बोला हूँ कि आपको भी पता चले कि सब कुछ इतना तेज़ी से एक ही आवाज़ में बोल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में बहुत सी वेबसाइट आती जाती हैं जो कई फेक निकल रही हैं, कुछ स्कैम निकल रही हैं, किसी के प्रोडक्ट्स सेल करनी होती हैं, किसी में इन्वेस्टमेंट होती है, चलो भाई एड्स लगा लिया, एड्स देख लिया। यहाँ पर यूट्यूब पर भी बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो आवाम को दाल गा रहे होते हैं अपने रेफरल्स बनाने के लिए। जब किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट करती है ना वेबसाइट, यूट्यूबर जल्दी से पैसे पकड़ कर ना वीडियो बनाता है। वीडियो जब बन जाती है उसके रेफरल्स आ जाते हैं, वो अपनी अमाउंट विड्रा करता है, अपनी अमाउंट का विड्रा लाइव प्रूफ दिखाता है अपनी वीडियो यूट्यूब वीडियो में। तो कंपनी वाले ठीक है, उसे दे देते हैं उसका विड्रा, लेकिन जब बंदे उसके एक दो दफ़ा चले विड्रा मिल जाता है, लेकिन बंदे को जब ट्रस्ट हो जाता है ना कि ये वेबसाइट या ये ऐप कहीं नहीं भागे कि ये हमें इसे पेमेंट मिलती रहेगी, लेकिन वो उसी वक्त लोगों को बनाते हैं। तो लोग सबसे ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, उनके पेमेंट बनी होती है। अगर उन्होंने 20 रुपये भी लगाए होते हैं, $20 भी लगाए होते हैं, अबे अगर उन्होंने $200 बना लिए हैं तो चले नुकसान तो सबको दुख तो होगा, दुख होगा सबको। तो अगर वो भोग जाती है तो उसमें लोग बन जाएंगे। चलें ये एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, तीन दफ़ा हो गया, चार दफ़ा हो गया, लेकिन हर दफ़ा ही लोग एक ही तरफ चले जाते हैं। जबकि वैसे आता है कि मोमिन को किसी एक सुराग से नहीं दोबारा ढका जा सकता, डसा जा सकता। तो देख लें कैसे यहाँ पे भी इंसानियत चली है। लोगों को ना घर बैठ के पास छोटी सी मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की बनी होती है। यार घरों से बाहर निकलें और भी करने के बहुत ज़्यादा काम है, कुछ करें ऐसे पैसे मिलेंगे, वैसे घर बैठ के पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे। अभी पाकिस्तान में ये स्कैम हुआ है ऑर्डरगो की तरफ। ऑर्डरगो बहुत ज़्यादा लोगों ने वेबसाइट चलाई है। इससे अभी 2 साल पहले की मैं आपको बात बताता हूँ, वेबसाइट चली थी क्लिक पे अर्न, क्लिक पे थ्रू, क्लिक बैट, इसी तरह की ना 7-8 वेबसाइट हैं, लोगों ने अच्छी खासी पेमेंट की थी उन पर, इन्वेस्टमेंट की थी। तो कराची के ही बंदे थे मेरे ख्याल में, फैसल मेमन नाम था बंदे का, वो करोड़ों की पेमेंट लेके भाग गए। यार FBI को भी उन्होंने रिपोर्ट किया, FIA वालों को रिपोर्ट किया है। किसी की तरफ से कोई आया है, किसी बंदे ने दोबारा पकड़ के दिखाया है उस बंदे को? यार भाग जाते हैं सभी लोग। अब ये पीछे चल रहा था रायल के बाद BFRU भी चल रहा था। अरे यार सारे बना के निकल जाते हैं, आप कैसे कब समझेंगे? अब यूट्यूब पे चैनल है BFRU के बाद जुबैर चनियोटी है। जुबैर चनियोटी सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाता है, BFRU सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाता है। पाकिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, हालांकि जुबैर चनियोटी जैसा बंदा थोड़ी सी वीडियोस बना नहीं सकता। जबकि उसके चैनल पर देखें छोटे छोटे उसने क्लिप्स डाले हुए हैं वीडियोज़ बनाने के, इतने पैसे कमाने के। तो जैसे जैसे वो वीडियोज़ डालता है लोग उसकी वीडियोज़ पर क्लिक करते हैं, चलें यार ये ऑथेंटिक यूट्यूबर है, इसने तकरीबन 7-8 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं, तो इसकी वीडियोस में कुछ सच्चाई होगी। लेकिन चलें उसने अपना विड्रा करवाया, दो दफ़ा करवाया, तीसरी दफ़ा करवाया, चौथी दफ़ा उसके रेफरल्स इतने अच्छे हासिल हो जाएंगे कि जिस बंदे ने रेफरल्स के थ्रू भी पेमेंट की होगी, इन्वेस्टमेंट की होगी, अगर उसका रेफरल है जुबैर चनियोटी है, उसने आगे रेफरल बनवाया एक और, आगे उस बंदे ने भी 7-8 अपने रेफरल बनाए हैं, उसने पेमेंट एक दफ़ा निकाल ली है, दूसरी दफ़ा जो उसके आगे रेफरल है उसने भी तो उससे मोटिवेट करके बोलेगा यार मैंने पेमेंट निकलवाई है, जुबैर चनियोटी ने पेमेंट निकलवाई है, इसके आगे और भी लोगों ने पेमेंट निकलवाई है, चलिए वो भी बंदा इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन क्या पता उसी दिन उसकी किस्मत ख़राब हो, उसी दिन वो वेबसाइट वाले भाग जाए, उनका सर्वर डाउन चला जाए। बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं भैया, अपने पैसों को संभालें। ऐसे पैसे दरख्तों पर नहीं उगते जैसे आप उड़ा रहे होते हैं, जैसे आप कमा रहे होते हैं, उड़ाने का तो चलिए आप उड़ा देते हैं, लेकिन ऐसे दरख्तों पर कमाए पैसे नहीं जाते जिस तरह आप घर बैठकर पैसे कमा रहे होते हैं। तो आइंदा ऐसे चीज़ों का ख्याल रखें। अभी हो सकता है कि पाकिस्तान में और एक शायद नाम चल रहा था सेंडगो भी आ रही है यार, आगे और भी ज़्यादा आएंगे, बाइक मिलेंगे इनाम में, गिफ्ट मिलेंगे, कारें मिलेंगी, एक दो दफ़ा होगा, अगर नहीं होगा तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी कर रहे होंगे या किसी बंदे को नेक्स्ट पैसे दिए होंगे, चले वो इनकी पब्लिसिटी करेगा, यार मुझे कार मिली या मोटरसाइकिल मिला इनकी तरफ से। अरे यार ये सब आपको फ्रॉड लगा रहे होते। तो उम्मीद है कि आप नेक्स्ट ख्याल रखेंगे और मिलते हैं कि किसी इसी तरह की वीडियोस में, रोस्टिंग वीडियोस हम चैनल पर अपलोड करते हैं, मोटिव फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस में इंटरेस्ट है तो अभी साथ में दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और दिए गए साथ घंटे के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाले हर वीडियो आपको बिला ताहिर वक्त पर मिल सके, आप उसी वक्त फ़ायदा उठा सकें। अभी ये खबर थी मैंने आपको टाइम पर पहुँचा दिया है, अभी आप नेक्स्ट जो भी खबर होगी मैं आपसे शेयर कर दूँगा, आपको टाइम पर नहीं मिली
तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें, क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट की इस वीडियो में, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।